सात खंडे संगीत विद्यापीठ लखनऊ क्लास विशारद पार्ट टू सिलेबस थ्योरी। प्राचीन काल और आधुनिक काल में निबद्ध गान और अनिबद्ध गान किसे कहते हैं? निर्धारित रागों का अंकन अनिवार्य। निम्नलिखित शब्दों की परिभाषा और व्याख्या, राग लक्षण, जाति के लक्षण, रागालाप, रूपकालाप, अलिप्तगान, आविर्भाव और तिरोभाव, स्वस्थान, अक्षिप्तिका, वाग्येकार, अल्पत्व और बहुत्व। पंडित शारंगदेव के काल से लेकर आज तक भारतीय संगीत का इतिहास। पिछले तालों का पुनरीक्षण और उन्हें ताल अंकन में लिखना। तान किसे कहते हैं और उसके प्रकार बताइए। निर्धारित राग का विवरण और तुलनात्मक अध्ययन। विभिन्न प्रकार के मूर्छना का अध्ययन। राग वर्गीकरण का इतिहास काल और 10 विधि राग वर्गीकरण। उत्तर भारतीय संगीत शास्त्रीय और अर्ध शास्त्रीय की विभिन्न रचनाओं का इतिहास और उनका विवरण। उत्तरी और दक्षिणी ताल पद्धति का तुलनात्मक अध्ययन। प्रथमा, मध्यमा और विशारद प्रथम सहित निम्नलिखित के लयकारियों के साथ ताल ज्ञान। रुद्रताल, लक्ष्मीताल और ब्रह्माताल। सिलेबस प्रैक्टिकल विशारद पार्ट टू। आलाप और तानों के साथ प्रत्येक रागों में विलंबित और द्रुत ख्याल का पूर्ण ज्ञान। एक, शुद्ध कल्याण। दो, देशकार। तीन, ललित। चार, दरबारी कान्हाड़ा। पांच, पूर्वी। छह, कामोद। सात, पीलू। आठ, तोड़ी। नौ, बसंत। दस, पूरिया। ग्यारह, रामकली। बारह, छायानट। तेरह, मुल्तानी। अलग अलग रागों में दो ध्रुपद और ठाह, दुगुन, तिगुन और चौगुन लयकारी के साथ दो धमार। अलग अलग निर्धारित रागों में दो तराना। प्रथमा, मध्यमा और विशारद प्रथम सहित निम्नलिखित के लयकारियों के साथ ताल ज्ञान। रुद्रताल, लक्ष्मीताल और ब्रह्माताल। मॉडल पेपर परीक्षा में इस तरीके से एग्जाम पेपर आएगा। दोस्तों, आशा है कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। इसी तरह संगीत की बेसिक नॉलेज के लिए विजिट करते रहिए हमारे चैनल म्यूजिक की पाठशाला पर, और जो अच्छी पोस्ट लगे उसे अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर भी जरूर करते रहिए। संगीत से संबंधित अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं। अन्य जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें।